सबसे बड़ी बात है कि हमने मोहम्मद रफी साहब को भी फॉलो किया जिंदगी में, मुकेश जी को भी फॉलो किया, किशोर दा को तो फॉलो किया ही। रफी साहब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, उनका जो सुर का ठहराव और उनका जो क्लासिकल बेस उनका गले में, और ये सब चीज़ें हमने सीखने की कोशिश किया था। हमारे कई गानों में हमने रफ़ी साहब के स्टाइल को इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग था उसको आप सुनिए, एडॉप्ट कीजिए आपके सिंगिंग को। मैं अगर आपको उन्नति लाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, तो किशोरदा को सुनिए, मुकेश जी को सुनिए, स्पेशली रफ़ी साहब को सुनिए, ताकि आपका सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं। क्योंकि आप जान सकते हो कि वर्ड को किस तरह से लोग बोलते थे, एक्सप्रेशन किस तरह से देते थे, साथ में सुर का जो ठहराव उनका जो स्पेशलिटी था उन्होंने, तो ये सब चीज़ें जो है रफ़ी साहब में भरा हुआ था। जो मैंने मेन चीज बताया था, उसमें भाई आपका सिंगिंग, जस्ट लिसन मोहम्मद रफी साहब, यू कैन इजीली इंप्रूव योर सिंगिंग। क्या बात है सर, बहुत खुश सर। Yeah! Come on! Yeah! Bollywood! Bollywood!